ही गाइस, सतीश फ्रॉम एसके वेब स्टूडियो। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम किसी वीडियो के अंदर जूम इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। पहले हम वीडियो को प्ले कर लेते हैं, देखते हैं इसके अंदर कोई भी जूम नहीं लगा हुआ, कोई भी जूम इफेक्ट नहीं है इसके अंदर। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी जूम इफेक्ट नहीं है अभी, देखिए। एंड इस इफेक्ट को ऐड करने के लिए हमें वीडियो को स्प्लिट करना होगा, जिस भी पार्ट के अंदर हमें जूम इफेक्ट चाहिए। मेरे को यहाँ से चाहिए, इसको यहाँ से स्प्लिट कर लेता हूँ, देन यहाँ तक इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। एंड स्प्लिट करने के लिए मैंने कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ किया है। देन इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन इसके बाद में फिल्टर्स पे, प्लस पे एंड वीडियोज़ के अंदर हमको रोटेट एंड स्केल फिल्टर का यूज़ करना है, ये रहा फिल्टर। एंड इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रीसेट, रोटेशन, स्केल, एक्स ऑफसेट, वाई ऑफसेट। हमको केवल स्केल बढ़ाना है इस वीडियो के अकॉर्डिंग। हम 150 सेलेक्ट कर लेते हैं, देखिए अभी जूम हो गए। प्ले करके देखते हैं वीडियो को, ये देखिए जल्दी जूम हुआ है काफ़ी, एंड ये जल्दी ही जूम आउट हुआ है। एंड इस जूम को अगर हमको स्मूथ बनाना है तो हम इस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड की फ्रेम्स पे क्लिक करेंगे। सेलेक्टेड पार्ट ऑलरेडी यहाँ शो हो जाएगा जैसा कि शो हो रहा है। एंड स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे ये डॉट है, एंड एंडिंग में भी ये डॉट है। अब इस डॉट को हमको ड्रैग करके यहाँ पर लेके आना है, ठीक है। मैं 25 यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ से भी 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जूम जो जल्दी हो जा रहा है इसमें स्मूथनेस आ जाएगी। टाइमलाइन पे क्लिक करके हम प्ले करके चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितना स्मूथ जूम हुआ है, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये, ठीक है। आप वहाँ से टाइमिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी चाहिए तो टाइमिंग आप कम कर दीजिए, एंड आपको जैसे कि ये यहाँ से टाइमिंग कम कर दीजिए अगर आपको और जल्दी चाहिए जूम, एंड यहाँ से आप कम कर सकते हैं अगर आप जूम आउट आपको और जल्दी करना है। बाकी आप यहाँ से टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हैं जितना स्लोली आपको जूम चाहिए तो, ठीक है। गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।